आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग काम आने वाले टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ। जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है विंडोज़ का, उनको ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। वेल, जो बनाएगा आपको कंप्यूटर में गुरु। वाइल इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहना पड़ेगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है रविंदर और हमेशा की तरह कंप्यूटर हब में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे नए मेहमान हो इस चैनल पे, तो नीचे बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। तो पहला ट्रिक है शटडाउन। मुझे पता है आप सभी लोग को कंप्यूटर शटडाउन करने आता ही होगा, तो फिर इसमें क्या खास ट्रिक है? तो बता दें, आप लोग शटडाउन करने के लिए सिंपल स्टार्ट बटन में जाकर पावर पर क्लिक करते हैं, फिर शटडाउन क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F4 की प्रेस करते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं शटडाउन कुछ अलग तरीके से कैसे किया जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाना होगा, फिर आपको जाना होगा शॉर्टकट पे। अब यहाँ पर टाइप द लुक, यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स लिखना होगा जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे मैं आपको ये कमांड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से ये पूछ रहा है कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही सही है, स्लाइड टू शटडाउन। ये करने के बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आइकन मेरा स्लाइड टू शटडाउन का आइकन बन गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो ये आइकन जो आपको दिख रहा है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये यूज़र के ऊपर होता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम आइकन जिसका भी आइकन का हमको चेंज करना है, उसको हमको राइट क्लिक उस पर करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ दिख रहा होगा चेंज आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढेरों सारा आइकन्स दिख जाएगा, आपको इसमें से जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हमको जस्ट एक एग्जांपल में शटडाउन के लिए है, तो हमको ये सही लग रहा है, हम ये लेते हैं और हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरा एक आइकन बन गया। अब हमको जब भी शटडाउन करना होगा तो हमको ये यहाँ जाकर पावर पे क्लिक करके, हमको शटडाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पावर पे जाके शटडाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम स्लाइड टू शटडाउन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, एक ऊपर से एक स्लाइड टू शटडाउन ये पीसी करके आया। अब इसको नॉर्मली बस इसको ट्रैक कर्टन जैसा नीचे खींच देना है, जैसे ही खींचेगा सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको शटडाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो आप इसे करके ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा। देखें ये कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है कंप्यूटर को शटडाउन करने का। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर बनता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्रिक की ओर, जो कि है शटडाउन टाइमर। ये भी ट्रिक शटडाउन के लिए ही है, पर अब थोड़ा अलग सिनेरियो का है। जैसे मान लीजिए रात को सोने वक्त हम कुछ डाउनलोड लगा देते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि हम रात को नेट स्पीड चलता है थोड़ा, तो हम लोग डाउनलोड लगा देते हैं। लेकिन उस बीच मानिए अगर डाउनलोड होने में एक दो घंटा लग रहा है और उस बीच नींद आ गई, या जान रहे हैं कि नहीं हम नहीं जग पाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग शटडाउन टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपना टीवी को स्लीप मोड का टाइमिंग सेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। हम लोग को डेस्कटॉप पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे वापस न्यू पर। न्यू पर जाने के बाद शॉर्टकट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कमांड जो लिखना है वो है shutdown शटडाउन स्पेस डैश दीजिए और s, फिर स्पेस दीजिए, डैश दीजिए, t स्पेस दीजिए। अब यहाँ पे हमको टाइम मेंशन करना है, टाइम देना है कि कितना टाइम में हम लोग का सिस्टम ऑफ होगा ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइम जो मेंशन करना है वो सेकंड में करना होगा। जैसे मानिए कि आपको एक मिनट में सिस्टम को टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, शटडाउन करना है, तो आपको
यहाँ पे लिखना होगा एक मिनट को 60, तो हमको एक मिनट में जैसे करना है तो हम यहाँ लिख रहे हैं 6060, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या नाम से शॉर्टकट होना चाहिए, तो हम शटडाउन के नाम से ही रहने देते हैं, हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये आइकन बन गया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या बोलता है, यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट, विंडोज़ विल शट डाउन इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम लोग का विंडोज़ ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मानिए हमको ये नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ सर्च में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे रन, RUN रन, रन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये मेरा रन कमांड खुल गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है कमांड SHUT शट डाउन स्पेस डैश A और फिर आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा तो जो हम लोग का शट डाउन प्रोसेस लगा हुआ था 1 मिनट का, वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब शट डाउन कैंसिल हो गया, अब वो एक मिनट में शट डाउन हम लोग का PC नहीं होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की ओर, जो कि है गॉड मोड। जैसे हम लोग गॉड मोड से क्या समझते हैं, नॉर्मली जब हम लोग गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं गॉड मोड कभी करके आता है, गॉड मोड नाम सुना हुआ है। लेकिन एक कंप्यूटर फील्ड में क्या है गॉड मोड, कि जैसे मानिए कि कंट्रोल पैनल पे किस लिए यूज़ होता है, ये बहुत लोगों को पता होगा कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स आपको करना होता है तो हम कंट्रोल पैनल से करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि अब कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है, ये खोजना थोड़ा टिपिकल जॉब है, थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसी को सहूलियत में बनाने के लिए गॉड मोड का एक ट्रिक आता है। वो कैसे बनाते हैं, देखिए गॉड मोड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद जब हम लोग शॉर्टकट लेते थे, अब हम लोग शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे फोल्डर। फोल्डर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ कमांड जो लिखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में से आप उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली इंटर कीजिए। इंटर जैसे ही कीजिएगा ये देखिए आपको एक कंट्रोल पैनल जैसा आइकन आपको दिखने लगेगा। अब इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, ये देखिए इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको सारा जितना भी कमांड्स, आपको यूज़फुल कमांड्स, जो भी आपको ज़रूरी का कमांड्स है वो सारा लिस्टेड है, सारा कुछ लिस्टेड है। आपको सिंपली जाकर उस पर क्लिक करना है। आपको ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अब किसके अंदर होगा, यहाँ सब लिस्टेड है। आप चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की ओर, जो कि है ट्रिक्स नंबर 4, शॉर्टकट फॉर सॉफ्टवेयर। आपके फेवरेट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो डेली हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसे बार बार ओपन करते हैं, तो आपको इसे ओपन करने के लिए सर्च करना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन कहाँ है। पर यहाँ आपको आपका जो फेवरेट एप्लीकेशन है उसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जिसको आप एक क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। जिसका भी आपको शॉर्टकट बनाना है, आप क्या करना है, आपको स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो भी आपका फेवरेट ऐप है जिस पे आप काम करते हैं हमेशा, उसका जिसका भी आपको शॉर्टकट बनाना है, आपको उसको सर्च कर लेना है एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड पे ज़्यादा काम होता है लगभग, तो वर्ड को लाए हम और ये देखिए वर्ड ऐप आ गया। इस पर हम करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ओपन फाइल लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ देखिए लास्ट में जो हाइलाइटेड है ऑप्शन वर्ड, ये है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्टकट, सबसे ऊपर जो टैब्स है वहाँ पे एक शॉर्टकट दिखेगा, शॉर्टकट पे क्लिक करिए। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टकट की के बगल में जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको कोई भी की डिफाइन करना है। जैसे अभी नन है तो यहाँ पे आपको कोई भी की डिफाइन करना है, तो आप कीबोर्ड से कोई भी की, जैसे आपको जो भी मन, आपको अगर न्यूमेरिक देना है 1 2 3 4 वो भी दे सकते हैं, एरो की देना है वो भी दे सकते हैं, ABCD देना है वो भी दे सकते हैं। तो जैसे वर्ड है तो हम यहाँ वर्ड को W से करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ टाइप करते हैं यहाँ पे क्लिक करके W, तो देखिए W आया, लेकिन साथ में Alt+Ctrl+Alt भी आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि Ctrl+Alt जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर खुद से लेगा, आपको बस लास्ट में जो आप एक वर्ड जो
आप देंगे वो आपके ऊपर है कि आप क्या देते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन कंट्रोल और ऑल्ट जो है वो आपको सिस्टम देगा। ये करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन पूछेगा, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब जब आपको वर्ड खोलना है तो वर्ड खोलने के लिए आपको क्या दबाना होगा, आप डब्ल्यू असाइन किए थे तो आप कंट्रोल ऑल्ट दबाइए और फिर डब्ल्यू दबाइए। जैसे ही दबाइएगा डब्ल्यू, आप देखिए यहाँ पर मेरा वर्ड का फाइल खुल गया। आप इसी तरह आप एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसका शॉर्टकट्स बना सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पांचवे ट्रिक की ओर, जो कि है वर्चुअल डेस्कटॉप। जी हाँ, यहाँ पर आप वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान एक चीज़ का देना है, वो ये है कि ये जो है ये सिर्फ विंडोज़ 10 में ही अवेलेबल है। अब इसे कैसे करना है चलिए बताते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो की और टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। न्यू डेस्कटॉप, यहाँ आप इस न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करें, अपने लिए एक नया डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसका यूज़ कहाँ करें, तो बता दें ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको दो डेस्कटॉप की ज़रूरत है। जिस डेस्कटॉप पर आपने काम किया है वो पूरा नहीं हुआ है, उसे आप बंद भी नहीं करना चाहते और आपको दूसरा क्लीन डेस्कटॉप चाहिए जहाँ आप अपना अलग सा दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ आप वर्चुअल डेस्कटॉप को यूज़ में ला सकते हैं। ये फीचर भी विंडो 10 में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो वर्चुअल मेमोरी, ये क्या है। ऐसा केस भी मिलता है जब आपके कंप्यूटर में स्पेस कम पड़ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं करता या फिर स्लो करता है, तो ऐसे में जब आपको अपने कंप्यूटर को बूस्टअप करना है वर्चुअल मेमोरी के साथ, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि पेन ड्राइव को अपने सीपीयू में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम जाएंगे दिस पीसी पर, उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पेन ड्राइव का नाम दिख रहा होगा, जो भी नाम से आपका पेन ड्राइव होगा, जैसे मेरा है रिमूवर डिस्क टी, और ये देखिए आपको स्पेस दिख रहा होगा 7.55 GB, तो ये मेरा पेन ड्राइव का है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ड्राइव आपका पेन ड्राइव का है। उस पर जाके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जाइए प्रॉपर्टीज़ पे, आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप पे टैब्स दिख रहा है, वहाँ पे आपको रेडी बूस्ट दिख रहा है, रेडी बूस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यूज़ दिस डिवाइस। ये तीनों का क्या मतलब है वो बता देते हैं। डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस मतलब कि जब आपको लगे कि नहीं हमको ये डिवाइस को बूस्ट के लिए नहीं देना है, तब हम ये इसको टिक करेंगे। और डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट में क्या होता है कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेन ड्राइव में जितना भी मेमोरी खाली होगा वो सारा खाली, क्या मतलब सारा मेमोरी आपका कंप्यूटर ले लेगा अपने आप, आपका उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उसको कम या ज़्यादा करने का, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है यूज़ दिस डिवाइस, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको कितना स्पेस देना है बूस्टअप के लिए, आपको कितना मेमोरी स्पेस देना है। तो जैसे मानिए कि हम यहाँ सेट कर दिए, सेट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करके ये यहाँ पे होगा कुछ, और यहाँ पे ओके कर दिए। अब देखिए मेरा जो रिमूवल डिस्क में, अब पहले तो खाली था पूरा, अब यहाँ पे 1.90 GB फ्री है सिर्फ 7.55 GB में, मतलब लगभग 5 GB मेरा यहाँ पे डाटा इसमें भर चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं क्या है। तो देखिए इसको खोलें हम तो यहाँ रेडी बूस्ट करके आ रहा है, ये कुछ फाइल बना हुआ है अंदर में जो कि बूस्टअप के लिए है। अगर अब हमको इसको नॉर्मल फिर से इसको रेडी बूस्ट के लिए नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर वापस रेडी बूस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पहला वाला डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस पे टिक करके अप्लाई और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका पूरा मेमोरी खाली हो गया जो आपका पेन ड्राइव था, इसको ओपन करके देखिए अंदर में कोई डाटा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट ट्रिक की ओर, जो कि है डायनेमिक लॉक। डायनेमिक लॉक, इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो बीच में अगर आप अपने सिस्टम को नॉर्मली छोड़कर कहीं चले जाते हो और अपने सिस्टम को लॉक करना भूल गए हो, तो जैसे ही आपका सिस्टम आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा या फिर अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ डिस्कनेक्ट अनपेयर्ड का मतलब है कनेक्शन विथ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो इसे कैसे करते हैं चलिए
देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में यहाँ सेटिंग्स दिख रहा होगा, आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको विंडो सेटिंग्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आना है अकाउंट्स पर, अकाउंट्स पर क्लिक करना है। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको आना है साइन इन ऑप्शंस पर, साइन इन ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। साइन इन ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बगल में साइन इन ऑप्शंस दिख रहा है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको दिखेगा डायनेमिक लॉक। आपको डायनेमिक लॉक के नीचे आइए, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अलाउ विंडोज़ टू ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे, मतलब विंडो को आप अलाउ कीजिए लॉक हो जाने के लिए जैसे ही आप अपने डिवाइस से दूर चले जाते हैं। तो इस पर आपको नॉर्मली टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। तो जैसे आप नॉर्मली दो डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद ये सबसे मेन यूज़ इसका तब है जब आप अपने सिस्टम पर कोई पर्सनल काम कर रहे होते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके एब्सेंस में आपका डाटा के साथ छेड़छाड़ करे। तो आप इस तरीके से स्मार्टफोन से कंप्यूटर में डायनेमिक लॉक लगा सकते हैं जिससे आपके डाटा को प्राइवेसी बना रहे और आप स्मार्ट बने रहें। फ्रेंड्स, ये थी सातवीं टिप्स, और ये सातों टिप्स आपको अच्छी लगी है तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पर क्लिक किया होगा। दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि इसमें से कौन सा टिप्स आपके लिए स्पेशल था। यूनिक टिप्स कॉमेंट में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा, सीखते रहें और सिखाते रहें।